फाइव एजेंडा का, लेकिन उससे पहले आपको मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। माफ कीजिएगा, मुंबई से सटे हुए पुणे से ये हादसे की खबर है, जहां पर पुणे के कोड़वा इलाके में 14 लोगों की मौत हो गई है। पुणे में पार्किंग की दीवार गिरने की वजह से यह हादसा हुआ। मरने वाले 14 लोगों में सभी मजदूर बताए जा रहे हैं और ये आंकड़ा बढ़कर अब 15 हो गया है। बचाव कार्य जारी है। रात 1:30 बजे के आसपास यह हादसा हुआ। एनडीआरएफ की टीम ने 15 लोगों को बाहर निकाला और राहत और बचाव का कार्य अब भी हो रहा है। वहां पर मरने वाले कंस्ट्रक्शन मजदूर बताए जा रहे थे। इलाके में बड़ी संख्या में निर्माण कार्य हो रहा है और इसीलिए ये सारे मजदूर वहीं पर काम करते थे और इसी दीवार से सटाकर इन्होंने अपने आशियाना बनाया हुआ था, झोपड़ियां बनाई हुई थी जिसमें रह रहे थे। फिलहाल मजदूर कहां के रहने वाले हैं इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन बिहार और पश्चिम बंगाल के हो सकते हैं ऐसी जानकारी वहां से आ रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, राहत और बचाव का कार्य अभी जारी है। 15 लोगों को निकाला गया। अभी तक इस मामले में, इस हादसे से 15 लोगों की जान जा चुकी है। ये तस्वीरें जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी चलाया जा रहा है। 1:30 बजे यह हादसा हुआ जब ये दीवार भरभराकर गिर पड़ी और इससे सटे हुए जो लोग नीचे झोपड़ियों में सो रहे थे उनकी जान चली गई। तो 15 लोगों की मौत। पार्किंग की यह दीवार थी, एक सोसाइटी के पार्किंग की दीवार, जिसके गिरने की वजह से यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि तेज बारिश हो रही थी जिसकी वजह से एक पेड़ गिरा और वो पेड़ इस दीवार पे गिरा, जिसके बाद यह दीवार भी गिर पड़ी और ये उन मजदूरों पर गिरी जो इस दीवार से सटे हुए दूसरी तरफ सो रहे थे, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई। हमारे साथ फोन लाइन पर पुणे की मेयर मुक्ता मलिक हमारे साथ जुड़ गई हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। मुक्ता जी, आपसे जानकारी चाहेंगे कि फिलहाल वहां पर कैसे हालात हैं, किस तरह की और जानकारी आप हमसे साझा करेंगे। अभी मैं उस जगह पे पहुंच रही हूँ। वहाँ पे जो बिल्डिंग का काम चल रहा था, वो बिल्डिंग का एक्सकेवेशन की वजह से वहाँ का पूरी जो मिट्टी है, वो पूरी मिट्टी वो ढीली हो पड़ गई थी और इसके कारण दूसरे बिल्डिंग की रिटेनिंग वॉल गिर गई और सभी वहाँ के जो कामगार लोग हैं उनके वो जो झुग्गी झोपड़ियाँ थी उसमें गिर गई। इसकी वजह से अभी 15 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी बचाव कार्य पूरा राहत कार्य शुरू है। अभी वहाँ जो जख्मी हुए लोग उनको अस्पताल में भेजा गया है। जी मुक्ता जी, कितने परिवार वहां पर रह रहे थे जो इस हादसे का शिकार हुए हैं, जो बचे हुए लोग हैं उनके बारे में भी कोई जानकारी, कहाँ के रहने वाले थे ये? ये सब लोग बाहर से आए हैं, वो बिल्डिंग का काम करने वाले लोग हैं। अभी उनके बारे में इतनी पूरी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जो भी जितनी भी मौत हुई है उनके फैमिलीज को पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से और कलेक्टर की तरफ से भी पूरी मदद की जा रही है। ठीक है मुक्ता जी, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस मामले में अब तक क्या प्रशासन की तरफ से संज्ञान लिया गया है, किसी तरह की कार्रवाई, चूंकि अवैध तरीके से झोपड़ियां बनाकर वहां पर इन्हें रखा गया था, किसी तरह का कोई खास इंतजाम, कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे वहां पे? जो भी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और उसके साथ साथ हम लोग अभी जो भी बिल्डिंग का काम चल रहा है उसकी भी वर्क स्टॉप ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका मुक्ता तिलक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो 15 लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं, आगे भी अपडेट लगातार आपसे साझा करते रहेंगे। फिलहाल उन 5 खबरों का जिक्र कर लेते हैं जो टॉप 5 एजेंडा की आज खबरें हैं, जिन पर दिनभर हमारी नजर आएगी। तो पहली खबर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक फैसले से जुड़ी हुई है, क्योंकि योगी सरकार ने 17 जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में लाने का फैसला कर लिया है। यूपी की सियासत में इस फैसले का बड़ा असर भी देखने को मिल सकता है, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। दूसरी बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से बेचैन ममता बनर्जी ने अब तुष्टीकरण की राजनीति शुरू कर दी है। ममता बनर्जी सरकार का यह ऐलान है कि वो मुस्लिम बच्चों के लिए स्कूल में डाइनिंग हॉल बनवाएंगी।
तीसरी खबर कश्मीर से जुड़ी, जहां राष्ट्रपति शासन की मियाद 6 महीने के लिए बढ़ाई गई है। लोकसभा में अमित शाह कश्मीर की हालत पर कांग्रेस पर जोरदार प्रहार करते हुए भी नजर आए। कांग्रेस में इन दिनों इस्तीफा देने की होड़ मची हुई है और राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद से ही कई नेता ऐसे हैं जो अब इस्तीफा दे रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक 130 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो इस्तीफा दे चुके हैं पार्टी से। पांचवी खबर यूपी की सियासत से जुड़ी हुई, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू ने अखिलेश यादव के फैसलों पर सवाल उठाने के साथ ही मायावती पर भी उन्होंने हमला किया। अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी से एकजुट होने की अपील की है। तो एक एक कर ये तमाम खबरें अब आपको बताते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ के फैसले की बात सबसे पहले। सरकार ने 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का फैसला किया है। सरकार ने यह फैसला कोर्ट के उस आदेश के पालन में किया जिसमें अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का जन्म प्रमाण पत्र जारी करने को कहा गया था। कमिश्नर और जिला अधिकारी परिवारों को जाति प्रमाण पत्र देंगे। कोर्ट का फैसला जिसके बाद ये लिया गया, और इलाहाबाद कोर्ट का फैसला आना अभी हालांकि इसमें बाकी है। यूपी में 17 ओबीसी जाति एससी की श्रेणी में शामिल। मायावती के वोट बैंक में बीजेपी की सर्जिकल स्ट्राइक। सबका साथ सबका विकास, अब जीतेंगे दलितों का विश्वास। योगी सरकार का ये बड़ा फैसला यूपी में सियासत को एक नई चाल देने वाला है। दलित पॉलिटिक्स में बड़ा उलटफेर करने वाले इस फैसले में योगी सरकार ने 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल कर दिया है। ये कौन सी जातियां हैं आपको बताते हैं। निषाद, बिंद, मल्ला, केवट, कश्यप, भर, धीवर, बाथम, मछुआरा, प्रजापति, राजभर, कहार, कुम्हार, धीमर, मांझी, तुरहा और गौड़। अब इन 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके लिए कमिश्नर और जिला अधिकारियों को इन 17 जातियों के परिवारों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया गया है। 2005 में मुलायम सरकार ने इस बारे में एक आदेश जारी किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। फिर प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया था। 2007 में मायावती सत्ता में आई और इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। दिसंबर 2016 में चुनाव से ठीक पहले इस तरह की कोशिश अखिलेश यादव ने भी की थी। अखिलेश यादव ने 17 अति पिछड़ी जातियों को एससी में शामिल करने के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी भी दिलवा दी थी। केंद्र को नोटिफिकेशन भेजकर अधिसूचना जारी की गई, लेकिन इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट ने तब लगाई रोक हटा दी है और मामले की सुनवाई जारी रखी है। कोर्ट की रोक हटने के बाद इन जातियों को अदालत के अंतिम फैसले के तहत अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश जारी किए गए हैं। हालांकि इस पर आखिरी फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट से अभी आना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इधर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के एक ऐलान से विवाद खड़ा हो गया है। पश्चिम बंगाल में जिन स्कूलों में अल्पसंख्यक बच्चे 70% से ज्यादा हैं, वहां पर ममता सरकार ने मिड डे मील के लिए डाइनिंग हॉल बनाने का फैसला किया है। बीजेपी का आरोप है कि ये ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति है। पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक बहुल स्कूलों में मिड डे मील के लिए अलग डाइनिंग हॉल बनाने के ममता सरकार के फैसले पर विवाद हो गया है। डाइनिंग हॉल सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त उन सभी स्कूलों में बनाए जाने का प्रस्ताव है जहां 70% या उससे ज्यादा मुस्लिम छात्र हैं। पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की ओर से 25 जून को एक सर्कुलर जारी कर अधिकारियों को ऐसे स्कूलों की पहचान करने को कहा गया है। बीजेपी ने ममता सरकार के इस फैसले को मुस्लिम तुष्टिकरण का एजेंडा करार दिया है। लेकिन ममता बनर्जी ने पूरी खेल को एक अलग नीची स्तर पर वो लेके गई है। अगर समझ लीजिए इसको बैलेंस करने के लिए वो ये कहें कि हम हिंदू स्कूलों में भी जहाँ पे 70% से ज़्यादा हिंदू बच्चे हैं वहाँ पे भी हम ये करेंगे तो भी वो बहुत गलत होगा। आप धर्म के नाम पे स्कूल में खाने के समय पे इस तरीके का बंटवारा आप कर रहे हैं, आप क्या संदेश दे रहे थे। हालांकि विवाद के बाद पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से सफाई दी गई है। ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि सर्कुलर में केंद्र सरकार के गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। सर्कुलर में साफ कहा गया है कि जिन स्कूलों में अल्पसंख्यक बच्चों की संख्या 70% से अधिक होगी वहां अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से फंड भेजा जाएगा। ये पूरी तरह से टेक्निकल मामला है। पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री यासुद्दीन मौल्ला ने कहा है कि डाइनिंग हॉल में सभी बच्चों को खाना खिलाया जाएगा। खाने की जगह नहीं है, इसलिए हम तो सर्कुलर दिया। जो स्कूल 70% संख्या लोग है हम एमएसडी प्रकल्प मिड डे मील के लिए हम रान्नाघर खाने के लिए सब कुछ बना देगा। ये शुद्ध मुस्लिम के नहीं, स्कूल के छात्र छात्री हर सब स्कूल सब छात्र छात्री खाएगा।
सरकार भले ही सफाई दे रही है, लेकिन बीजेपी सवाल उठा रही है कि क्या वोट के लिए बच्चों को मजहब के आधार पर बांटना सही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इधर जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। कांग्रेस ने इस बात का विरोध किया तो अमित शाह ने कांग्रेस पर ही जमकर प्रहार किया। शाह ने कहा कि पहले कश्मीर में लोकतंत्र की हत्या हुई, चुनाव के नाम पर फर्जीवाड़ा किया जाता रहा। गृहमंत्री अमित शाह ने एक बार फिर कश्मीर समस्या के लिए देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया है। लोकसभा में कश्मीर मुद्दे पर चर्चा के जवाब में अमित शाह ने कहा कि पटेल ने जूनागढ़ और हैदराबाद की समस्या का निपटारा किया और देश में सफल विलय कराया, लेकिन नेहरू ने कश्मीर की समस्या को बढ़ा दिया। अमित शाह ने कहा कि आज एक तिहाई जम्मू कश्मीर भारत के साथ नहीं है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? किसने सीज़फ़ायर कर दिया? किसने सीज़फ़ायर किया? माननीय अध्यक्ष जी, हमने नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू उस वक्त के प्रधानमंत्री जी ने सीज़फ़ायर कर वो हिस्सा पाकिस्तान। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार कश्मीर की आवाम को डराना नहीं बल्कि उन्हें अपना मानती है। अमित शाह ने कहा कि जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं उनके मन में डर होना चाहिए। जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं उनके मन में डर होना चाहिए, हम टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर नहीं। लोकसभा में अमित शाह ने धारा 370 पर भी सरकार का पक्ष रखा, कहा कि धारा 370 अस्थाई है। 370 है, 370 मैं मानता हूँ अस्थान साहब, 370 है, मगर आगे अस्थाई शब्द आप भूल गए हैं। ये अस्थाई है, परमानेंट नहीं है। 370 हमारे संविधान का अस्थाई मुद्दा है, ये याद रखिएगा। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस को याद रखना चाहिए कि धारा 356 का इस्तेमाल कर सबसे ज्यादा सरकारों को उन्होंने ही गिराया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया। इस देश में अब तक आज होगा उसके बाद 133 हो जाएंगे, 132 बार धारा 356 का उपयोग किया गया, 132 बार, 132 बार में से 93 बार कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही। आज वो हमें लोकतंत्र सिखाएंगे। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में इसका प्रस्ताव पेश किया जिसे सदन ने पारित कर दिया। राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि 3 जुलाई को खत्म हो रही थी। गृहमंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग जब भी कहेगा राज्य विधानसभा के निष्पक्ष चुनाव कराए जाएंगे। 7 मई से 4 जून रमजान का पवित्र महीना था, 30 जून से 15 अगस्त तक अमरनाथ यात्रा होनी है, इसलिए चुनाव आयोग ने इस वर्ष के अंत में चुनाव कराने का फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक भी आज लोकसभा से पास हो गया। विधेयक के मुताबिक अब जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। इस विधेयक में सुरक्षा कारणों से LOC छोड़कर गए लोगों को भी शामिल किया गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने 24 जून को लोकसभा में बिल पेश किया था। जम्मू कश्मीर के संविधान के सेक्शन 5 और 9 के तहत जो आरक्षण का प्रावधान है उसमें भी संशोधन कर कुछ और क्षेत्रों को जोड़ने का प्रावधान है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने 24 जून को लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक बिल पेश किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपना पद छोड़ने के फैसले पर कायम है, लेकिन दूसरी तरफ अब कांग्रेस के 130 से ज्यादा नेताओं ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस में दनादन इस्तीफों की पूरी कहानी देखी। कांग्रेस में इस्तीफों की बारिश। कांग्रेस में 130 इस्तीफे। कांग्रेस का राहुकाल। लोकसभा चुनाव में हार के बाद अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया और अब पार्टी के भीतर कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वालों में AICC सचिव, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस पदाधिकारी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्तीफे की लिस्ट और लंबी हो सकती है। राहुल गांधी के सम्मान में सामूहिक इस्तीफे दिए गए हैं।
लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सबसे पहले हार की जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। यूथ कांग्रेस के नेताओं के सामने राहुल गांधी ने कहा था, अफसोस है कि मेरे इस्तीफे के बाद किसी मुख्यमंत्री, महासचिव या प्रदेश अध्यक्षों ने हार की जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा नहीं दिया। कांग्रेस के कानून और आरटीआई सेल के चेयरमैन विवेक तन्खा के इस्तीफे और हरियाणा के चुनावों ने भी अपने पदों से इस्तीफे दे दिए। दिल्ली के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश लिलोथिया, तेलंगाना के पूनम प्रभाकर और गोवा कांग्रेस इस्तीफा वापस नहीं लेंगे जब तक कि राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष बने रहने के लिए राजी नहीं होते। तन्खा ने शुक्रवार को कई ट्वीट किए। उन्होंने कहा, हम सभी को पार्टी के पदों से अपने अपने इस्तीफे दे देने चाहिए और राहुल जी को उनकी टीम का चयन करने का अधिकार देना चाहिए। राहुल गांधी अपने इस्तीफे पर कायम है। राहुल गांधी को मनाने का दौर जारी है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक प्रस्ताव पास किया है। अब यूथ कांग्रेस के देश भर में पदाधिकारी 2 जुलाई को दिल्ली में जुटेंगे और राहुल गांधी से अध्यक्ष बने रहने की मांग करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटते हैं फौरन बाद। अब मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव ने अखिलेश के फैसलों पर सवाल उठाया है। पार्टी के नाराज कार्यकर्ताओं को वापस लाने की मांग की है। अपर्णा ने चाचा शिवपाल यादव को फिर से पार्टी में लाने की मांग दोहराई। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने परिवार में अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समाजवादी पार्टी के कैडर को एकजुट करने के बहाने वो सीधे अखिलेश के फैसलों को चुनौती दे रही हैं। जो भी जनता ने अपने वोट द्वारा करा है ये हाल ऐसा नहीं होता अगर हमारे और लोग भी जुड़े होते। और बहुत बड़े लीडर्स हमारे पार्टी छोड़ करके और जगह चले गए हैं, तो मुझे लगता है भैया को सबको बुलाना चाहिए और भैया कर सकते हैं ये काम। मुलायम की छोटी बहू चाचा शिवपाल यादव को पार्टी में वापस लाने की वकालत कर रही है। अपर्णा ने कहा कि शिवपाल यादव के जाने से पार्टी को नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, वो यूपी में चाचा के जराधार पर सियासी जमीन बांटने की भी बात कह रही है। देखिए, चाचा जी की अगर एंट्री हो जाती है तो इससे अच्छी तो बात नहीं हो सकती है। मगर अगर उनकी पार्टी के साथ हमारा विलय भी होता है, पार्टी दोनों पार्टियां अगर एक साथ आती हैं और दोनों काम करती हैं और अपना अपना क्षेत्र डिवाइड करती हैं काम करने के लिए, तो मुझे लगता है वो भी उसमें पॉलिटिकली भी अगर आप देखें तो पॉलिटिकली भी वो सही रहेगा। मुलायम परिवार में अखिलेश के खिलाफ गृह युद्ध छिड़ गया है। यह अखिलेश के उन फैसलों का विरोध है जो समाजवादी पार्टी के लिए गलत साबित हुए हैं। 2016 से चाचा भतीजे के बीच शुरू हुए विवाद के बाद 2017 में शिवपाल का पार्टी छोड़ना, 2017 के विधानसभा चुनाव में यूपी के लड़कों का साथ आना यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का साथ चुनाव लड़ना, और फिर इस साल लोकसभा चुनाव में मायावती के साथ गठबंधन करना अखिलेश के लिए उल्टा ही पड़ा है। हम लोगों ने तो बहुत ज्यादा बसपाइयों को और बसपा की सुप्रीमो को, आदरणीय मायावती जी को काफी सपोर्ट किया, सम्मान दिया, सब कुछ करा, पर मुझे लगता है कि वो ये सम्मान, जैसे मैंने पहले भी लिखा था, सम्मान पचा नहीं पाई। पिता और चाचा की नाराजगी के बाद अपर्णा के आक्रामक तेवर अखिलेश के लिए अच्छे संकेत नहीं है। लोकसभा चुनाव में सिर्फ 5 सीटों पर सिमटने वाले अखिलेश के लिए 2021 में जन आंदोलन से जमीन तैयार करना, परिवार और पार्टी को फिर एक मंच पर लाना सबसे बड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें आगे भी जा रही हैं, हम लगातार बने रहेंगे।